सर, कोविड की हार्ट एक बार फिर से सुनाई दे रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोग की तरफ से? जनपद वाराणसी में कोविड के संबंध में पूरी तैयारी की जा चुकी है और कल इस संदर्भ में हमारे आदरणीय कमिश्नर महोदय ने VC भी ली है और जो संबंधित विभाग संबंधित अस्पताल सभी से तैयारी के बारे में जायज़ा लिया गया है। इसमें विशेष तौर पे एक ऑक्सीजन प्लांट की रख रखाव और ऑक्सीजन प्लांट की चलन की उसकी प्योरिटी पाइपलाइन के कनेक्शन बिस्तर की अवेलेबिलिटी दवाइयों का उपलब्धता साथ साथ ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और साथ में मरीजों के ICCC का एक्टिवेशन टेलीमेडिसिन का की शुरुआत और इसके साथ साथ पेशेंट्स का अगर ज़रूरत पड़ी तो एडमिशन किस लेवल पे किस जगह पे होगा किस लेवल के पेशेंट को कहाँ जाया जाएगा ये सारी चीज़ें की तैयारी हम पूर्णता कर चुके हैं और अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम पूर्णता तैयार हैं। सर, कोविड डेडिकेटेड कोई हॉस्पिटल अभी तक बनाया गया है या फिर आगे कुछ तैयारी ऐसी? जी हाँ, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारा L1 का जितने भी हमारे छोटे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य अस्पताल उसमें हैं और L2 लेवल के लिए हमारे पंडित दीनदयाल है, सस्पेक्ट केस के लिए कबीर चौरा है और L3 के लिए हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सर सुंदरलाल हॉस्पिटल। सर, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है चेकिंग, जो बाहर से यात्री आ रहे हैं या फिर बसों के जरिए जो यात्री आ रहे हैं, तो क्या उनके लिए क्या तैयारियां हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे पैसेंजर्स हैं वो हमारे एयरपोर्ट से माध्यम से आते हैं और दो तरह के अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से आ रही हैं यहाँ पर, उन पर पूर्णता चेकिंग कोविड टेस्टिंग शुरू हो गई है और अन्य लोगों से रिक्वेस्ट टेस्टिंग चल रही है जो अगर किसी भी अलग माध्यम से आए हुए हैं तो एयरपोर्ट पे हमारा ये बूथ कल से स्टार्ट हो चुका है और अन्य जगहों पे पूरे सभी जगह पे टेस्टिंग की रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो जैसे जैसे गाइडलाइन आएगी उस हिसाब से हम लोग काम करना शुरू। ठीक।